तो गर्मी का मौसम शुरू हो गया है और मार्केट में आपने तरबूज देखे भी होंगे, बहुत सारे तरबूज यानी कि वाटरमेलन मिलते हुए। लेकिन साथ साथ लॉकडाउन भी चल रहा है, तो लॉकडाउन है तो क्या, गर्मी तो लगती है और गर्मियों में तरबूज खाने का मज़ा ही अलग है। इसका कारण यह है कि यह तरबूज गर्मियों में भी शरीर को तरोताज़ा रखता है, प्लस इसको खाने से जो शरीर में मौजूद पानी की मात्रा जो है वो इंक्रीज़ होती है और शरीर हमेशा हाइड्रेट रहता है। लेकिन सवाल यह है कि क्या तरबूज को गर्भावस्था में खाया जा सकता है या नहीं। कई गर्भवती महिलाओं के मन में तरबूज के लेकर कई संशय होते हैं, लेकिन अब आपको चिंता करने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि मैं आपको बताने जा रही हूँ कि गर्भावस्था में तरबूज खाना कितना सही है और कितना गलत है। तो वीडियो शुरू करने से पहले, आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, और वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का प्रेस करके वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके शेयर करना। फाइनली चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो तरबूज का सेवन करने से गर्भवती माता को क्या क्या बेनिफिट मिलता है, आइए हम जानते हैं। तो सबसे पहले नंबर एक, तरबूज का सेवन माँ के साथ साथ बच्चों की भी हड्डियाँ को सकारात्मक रूप से विकसित करता है और आपके हड्डियों को और भी मजबूत और स्ट्रॉन्ग बनाता है। नंबर दो, गर्भावस्था में दिखाई देने वाले बदलावों में से एक है गर्भवती स्त्री की त्वचा की रंगत में फ़र्क नज़र आना, जो यह हाइपर पिगमेंटेशन की वजह से होता है। त्वचा पर दिखने वाला इस बदलाव को नियंत्रित करने में भी तरबूज का सेवन काफ़ी लाभकारी होता है। अगर आप तरबूज का सेवन डेली बेसिस में करते हो तो आपको त्वचा पर हाइपर पिगमेंटेशन की समस्या नहीं होगी। नंबर तीन, तरबूज विटामिन और खनिज पदार्थों का एक समृद्ध स्रोत होता है, जो कि इम्यूनिटी को काफ़ी तेज़ी से बढ़ाता है। गर्भावस्था के दौरान बीमार पड़ना किसी भी गर्भवती माता के लिए एक निराशाजनक बात हो सकती है, इसलिए इसे अपनी डाइट में नियमित रूप से शामिल करें और किसी भी तरह के इन्फेक्शन से बचें। नंबर चार, तरबूज खाने से मांसपेशियों में ऐंठन कम होता है। गर्भावस्था के दौरान महिला के शरीर में कई तरह के बदलाव होते हैं, इन्हीं बदलावों के कारण गर्भावस्था में मांसपेशियों में ऐंठन की समस्या भी देखी जाती है। विशेषज्ञों के मुताबिक मैग्नीशियम, कैल्शियम, विटामिन बी, विटामिन सी युक्त खाद्य पदार्थ इस समस्या से राहत दिलाने में बहुत ही कारगर साबित होते हैं। तरबूज में भी यह सभी पोषक तत्व पाए जाते हैं। नंबर पाँच, मॉर्निंग सिकनेस से दिलाए आराम। गर्भावस्था में महिलाओं को उल्टी की शिकायत रहती है, ऐसे में उन्हें सलाह दी जाती है कि वो अधिक से अधिक अपना ख्याल रखें और अधिक मात्रा में पानी पिए। सुबह उठकर एक गिलास तरबूज का जूस आपके लिए फ़ायदेमंद साबित हो सकता है, पीने से शरीर में एनर्जी बनी रहती है। नंबर सिक्स, सूजन को रोकता है। गर्भावस्था के दौरान पैरों में रक्त प्रवाह काफ़ी हद तक रुक जाता है, इस कारण पैरों के साथ साथ हाथों में भी सूजन आ जाती है। तरबूज प्रभावी रूप से मांसपेशियों और नसों में रुकावट को कम करता है, जिससे कि सूजन को काफ़ी हद तक रोका जा सकता है। नंबर सात, गर्भावस्था में तरबूज खाने से सीने में होने वाली जलन से भी राहत मिलती है। गर्भावस्था के समय कई महिलाओं को सीने में जलन की शिकायत रहती है, इस समस्या से आराम पाने के लिए तरबूज का सेवन मददगार साबित हो सकता है। तरबूज पेट में बनने वाले एसिड को कम करता है और जिससे एसिडिटी की समस्या से आराम मिलता है। नंबर आठ, फाइबर से भरा तरबूज महिलाओं के लिए काफ़ी अच्छा होता है। वहीं डाइटिशियन भी कार्बोहाइड्रेट और फाइबर के साथ विटामिन ए की पूर्ति के लिए गर्भवती माताओं को अपने आहार में तरबूज शामिल करने की सलाह देती है। संतुलित मात्रा में तरबूज का सेवन किया जाता है तो यह गर्भावस्था के दौरान लाभकारी साबित हो सकता है। एक और चीज़ मैं आपको बता दूं कि गर्भवती महिला अपनी डाइट में तरबूज को ज़रूर शामिल कर सकती है। इसमें आपको विटामिन, न्यूट्रिशंस के अलावा और भी अच्छी खासी मात्रा में पानी मिल जाता है। तरबूज कब्ज से भी राहत दिलाने में काम आता है और शरीर को हाइड्रेट करने का काम करता है। दोस्तों, यहाँ पे मैंने तरबूज से रिलेटेड सारी जानकारी आपको दे दी कि प्रेगनेंसी में तरबूज खाना चाहिए या नहीं। वीडियो अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक करके इस वीडियो को बहुत शेयर कीजिए। थैंक यू।